नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उच्चिष्ट गणपति साधना। उच्चिष्ट गणपति यानी अशुद्ध साधना। जैसे हम लोग जो सात्विक कर्म करते हैं उसमें हर चीज पवित्र हो इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन उच्चिष्ट साधनाएं जब हम करते हैं इसका पर्पस होता है कि बहुत तीव्र या उग्र साधना होती है। तो वाम मार्ग में जैसे हम बराटी मंत्र का प्रयोग करते हैं और उससे हमारी जो साधना है वो उग्र हो जाती है, वैसे ही उच्चिष्ट साधनाएं जो सात्विक मार्ग की होती हैं वो तीव्र साधनाएं होती हैं। तो उच्चिष्ट गणपति का प्रयोग बहुत सारे काम के लिए किया जाता है, जिसमें जो सबसे उपयोगी जो कार्य है जो इससे निकाला जा सकता है वो होता है वशीकरण का। इसके अलावा उच्चिष्ट गणपति की स्थापना जो है वो भंडार घर को भरे रखने के लिए भी किया जाता है, मतलब आपको धन संपदा की कमी ना हो उसके लिए भी उच्चिष्ट गणपति की साधना की जाती है। आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूं ये वशीकरण के लिए है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि वशीकरण जो हम आपको बताते हैं, अब जैसे उच्चिष्ट गणपति की साधना इसका काफी स्टेजेस होता है, तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो ऐसा बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही प्राइमरी और बिना खुद को ज्यादा आघात किए इस साधना को आप कर पाइए, नहीं तो उच्चिष्ट गणपति साधना का बहुत सारा लेवल होता है जो कि सिर्फ तांत्रिक या फिर अघोरी ही कर सकते हैं या जो अघोर विद्या में निपुण हो वही कर सकते हैं। आज की साधना आप सभी के लिए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नीम का पेड़ होता है, कड़वे नीम का पेड़, उसका एक जड़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को निकाल लेना है। तो जड़ निकालने से पहले आप लोगों को ज्ञान होगा कि पहले निवेदन करते हैं, उसको निमंत्रण देते हैं, फिर दूसरे दिन जाके निकालते हैं। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जाकर आप वो एक जड़ निकालिए और अंगूठे बराबर उसमें काट करके और गणपति जी की प्रतिमा उस पर बनाइए, प्रतिमा बनाइए। उसके बाद रात्रि की का जो पहला प्रहर है उसमें खुद लाल वस्त्र पहनिए, लाल आसन पर बैठिए, पश्चिम मुख होकर के बैठिए और कुछ ऐसा भोजन कर लीजिए जिससे कि आप शुद्ध ना रहे, मतलब कुछ खा करके उसके बाद आप कुल्ली ना करें। तो जैसे आप जब जूठे मुंह से जब आप मंत्र बोलेंगे तो आपकी जो साधना है वो उच्चिष्ट हो जाएगी। मैंने पहले आपको बताया था कि उच्चिष्ट गणपति साधना में जो विग्रह होता है उसको भी उच्चिष्ट किया जाता है, लेकिन वो नॉर्मली उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि आप वशीकरण कर रहे हैं ना कि मोहिनी चला रहे हैं, मतलब कि जिस पर भी आप ये क्रिया करेंगे वो आपसे अच्छे संबंध में रहेगा ना कि आपके वश में रहेगा, ठीक है। अब आगे सुनिए इसमें क्या होने वाला है। आप लाल आसन पर बैठकर पश्चिम की मुख करते हुए बैठ जाइएगा और मुंह में कुछ ऐसा खा लीजिएगा जिससे कि आप शुद्ध ना रहे, आपका शरीर अशुद्ध हो जाए। सामने एक थाली रखिए, थाली पर प्रतिमा रखिए जो आपने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ मंत्र है जो कि आपको बोलना पड़ेगा। सबसे पहले जो दीपक जलाया जाता है किसी भी साधना में वो दीपक जलाना है और गणपति देव का आवाहन करना है। तो गणपति का आवाहन करने का विशेष मंत्र, देखो उच्चिष्ट साधना में सबसे पहले तर्पण होता है, ठीक है, तर्पण के बाद हवन होता है, ठीक है, और हवन करने के बाद जाप का शुरुआत होता है। लेकिन जो इसके बाद की विधि है वो वैसे ही चलती है, मतलब ध्यान होगा, आवाहन होगा, आसन, अर्घ, आचमनी जो करते हैं उसी तरीके से उसका आवाहन होता है। और आवाहन करने के बाद नील सरस्वती का मंत्र बने दे रखा है, उसका एक माला जाप करना होता है। तो सबसे पहले जैसे आपने दीपक जलाया तो मंत्र बोलना है, एही एही भगवान अग्नौ एही एही उच्चिष्ट गणपते स्वामिन एही एही, ये बोल के आप दीपक जलाएंगे उस प्रतिमा के सामने, धूप देंगे, नवेद देंगे, पुष्प देंगे, है ना, उसके बाद गंध देंगे, गंढोक देंगे, जो जो चढ़ाने का जो भी आप सामग्री लाए हैं गणपति को वो सब उनको चढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ बहुत विशेष ऐसा
बताया गया नहीं है कि क्या क्या देना होता है। उसके बाद जाप से पहले कर्णयास कर लेंगे। कर्णयास का मंत्र है ओम हस्ति मुखाय अंगुष्टकभ्याम नमः लंबोदराय तर्जनीभ्याम स्वाहा उच्चिष्ट महात्मने मध्याभ्याम वसठ आंग क्रौम ह्रीम अनामिकाभ्याम हुम। उसके बाद क्लीम ह्रीम हुम कनिष्ठगाभ्याम वसौट घे घे उच्चस्ताय स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। फिर अग्नि न्यास करेंगे ओम हस्ति मुखाय हृदयाय नमः लंबोदराय सिरसे स्वाहा उच्चिष्ट महात्मने शिखाय वसठ आम क्रौम ह्रीम कवचाय हुम क्लीम ह्रीम हुम नेत्र नेत्राय वसौट घे घे उच्चिष्टाय स्वाहा अस्त्राय फट ओम भूर्भुवस्व इति दिग्बंधनम। इतना कर लेंगे उसके बाद मंत्र उच्चारण हम लोग शुरू करेंगे। तो उच्चिष्ट गणपति का मंत्र मैं आप लोगों को अभी 3 बार बताऊंगा, इसको आप लोग लिख लें। ऐसे तो उच्चिष्ट गणपति का बहुत सारा मंत्र है, मतलब एक अक्षरी है, द्व्याक्षरी है, त्र्याक्षरी है, हाँ, लेकिन प्रयोग में जो मंत्र आता है वो नवाक्षरी से शुरू होता है और जो मंत्र साधना में प्रयोग होता है वो 32 अक्षर का मंत्र है। मंत्र सुनिए, ओम हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रौम ह्रीम क्लीम ह्रीम हुम घे घे उच्चिष्टाय स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रौम ह्रीम क्लीम ह्रीम हुम घे घे उच्चिष्टाय स्वाहा। एक आखिरी बार मंत्र सुनिए, ओम हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रौम ह्रीम क्लीम ह्रीम हुम घे घे उच्चिष्टाय स्वाहा। देखो, इस मंत्र को आप अगर अलग अलग स्थानों पर खोजोगे तो आपको अलग अलग मंत्र मिलेगा, लेकिन जो मंत्र मैंने आपको बताया है इसी मंत्र से आपको उच्चिष्ट गणपति की साधना करनी है। बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा है कि ये जो मूल मंत्र है ना, इस मंत्र में छेड़छाड़ कर देते हैं, इसका बीज कोई हटा देता है, कोई इसमें क्या कहते हैं नमः जोड़ देता है, कोई नमो जोड़ देता है, ये गलत है। ठीक है, तो अभी फिर से विषय पर आते हैं। आपने आवाहन कर लिया, उसके बाद आप जाप करेंगे। जाप करने से पहले लाल चंदन अक्षत पुष्प ये दे देना है और उसके बाद जो आपका जूठा मुंह है उसी से 5 माला इसका मंत्र जाप करना है। ठीक है, उसको वैसे ही रख के 7 दिन तक ऐसे ही पूजा करना है। ठीक है, और जो 8वां दिन होगा वो अमावस्या होगा। अमावस्या के दिन 500 आहुति आपको इस मंत्र का देना है, पूरे मतलब पूरे काल के बाद। एक तो आप जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत ही में आप एक बार तर्पण और हवन करेंगे, उसके बाद साधना शुरू करेंगे, फिर अंत में आप 500 आहुतियों का फिर से आहुति देंगे। ठीक है, आहुति जो जनरल हवन सामग्री होती है उसी से पड़ती है, कोई विशेष सामग्री इसमें निर्धारित नहीं है। 500 करने के बाद एक मंत्र और है, ह्रीम गम ह्रीम वश माने स्वाहा। ओम गम ह्रीम वश माने स्वाहा ह्रीम गम ह्रीम वश माने स्वाहा। इस मंत्र का अंत में 1 माला आप हवन कर देंगे। इतना करने से आपके जो उच्चिष्ट गणपति हैं वो स्थापित हो जाएंगे। अब आपको अगर किसी पर आकर्षण का प्रयोग करना है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, उसकी एक तस्वीर लेंगे और इस जो ये जो प्रतिमा आपने सिद्ध की है इसको उसके ऊपर रख देंगे और 3 दिनों तक 1 माला जाप करेंगे जो मूल मंत्र है उसका। इतना करने मात्र से
वो व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा। ऐसा व्यक्ति जो आपके तरफ देख ना रहा हो, वो भी आपके आपके तरफ आकर्षित होके मोहित होके आपसे बात करेगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, बोनस में अनाज जो होता है ना, चावल धान इस तरीके का, उसके ऊपर इस प्रतिमा को रख दीजिए, ठीक है। 11 दिन तक 3 माला जाप करिए, ठीक है। ये साल में एक बार क्रिया करेंगे, ठीक है, और पूरे साल आपके घर में कभी धन धान्य का कमी नहीं होगा। इसको कंटिन्यूटी रखने के लिए इस मंत्र का रोज 51 बार जाप करना चाहिए। तो यह है उच्चिष्ट गणपति साधना, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत बार मुझे बोला, तो मैंने भी सोचा आज दे दूं। आज के लिए इतना ही। भगवान गणपति आप सभी को धन धान्य और आकर्षण से भरपूर रखें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। इस साधना का प्रयोग बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि देव कृपा बहुत मुश्किल से मिलती है और उसका प्रयोग करना अपने हाथ में होता है, लेकिन एक बार देव से काम ले लिया तो दूसरी बार लेना बड़ा कठिन होता है। तो ये सोच के उच्चिष्ट गणपति की साधना करें। जिसको साधना का शुरुआती ज्ञान जानना है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। ये पेड ग्रुप है, डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए। उसका rudranath@cm4usa-canada-india से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghotantra.xyz पर जाइएगा, तो आपको अपॉइंटमेंट का लिंक मिलेगा, वहां से आप अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, तब भी आपको अपॉइंटमेंट लिंक मिलता है। आज के लिए इतना ही। गणपति आप लोगों पर आशीर्वाद बरसाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश, आदेश।